व्यूअर्स, आज मेरे पास जो डिवाइस है वो है रियलमी 13 प्लस। रियलमी 13 सीरीज का ये लेटेस्ट स्मार्टफोन रियलमी 13 प्लस। आज करेंगे इस फोन की अनबॉक्सिंग। बहुत ही ज़बरदस्त फोन है और अंडर 20,000 के अंदर ये फोन आता है गाइज। अगर आप लोग कोई 20,000-25,000 के अंदर कोई फोन ढूंढ रहे तो गाइज ये फोन बहुत ही बढ़िया रहेगा। रियलमी 13 प्लस काफ़ी ज़बरदस्त फीचर इस फोन के अंदर दिया गया है और बहुत ही अच्छा लुक्स इस फोन का है गाइज। तो आज इसी फोन को अनबॉक्सिंग करने वालों, सभी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वालों, आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। बॉक्स के पीछे सभी कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है। डायमेंसिटी 7300 की प्रोसेसर है, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, सोनी की कैमरा यहाँ पर मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज का ओएलईडी डिस्प्ले आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल रहा है गाइज। बहुत ही ज़बरदस्त फोन होने वाला है ये। तो गाइज चलिए फटाफट से इस फोन को अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको सभी कुछ फीचर्स इस फोन के बारे में बताते हैं। तो गाइज यहाँ पर बॉक्स आप देख सकते हैं, मैंने अनबॉक्स कर लिया है। अनबॉक्स करते ही यहाँ पर एक और अनबॉक्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें मिलता है कुछ यूजर मैनुअल वगैरह दिया गया है। साथ ही साथ में एक सिम इजेक्टर पिन मिलता है, एक ट्रांसपेरेंट केस मिलता है जिसका क्वालिटी काफी अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 80 वॉट की चार्जिंग एडाप्टर यहाँ पर दिया गया है, सुपर बुक चार्जिंग, तो आपका फ़ोन जो है बहुत ही फास्ट चार्ज होगा गाइज। और साथ ही साथ में एक टाइप ए टू टाइप सी की केबल यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यही सब बॉक्स कंटेंट है। तो चलिए अभी फ़ोन की लुक्स एक बार देख लेते हैं। तो गाइज ये रहा रियलमी 13 प्लस का फोन गाइज। ये मेरे पास जो कलर है ये विक्टरी गोल्ड कलर है और काफ़ी अच्छा कलर यहाँ पर दिया गया है। कैमरा मॉड्यूल देख सकते हैं यहाँ पर एकदम राउंड और एक अंडे शेप के तरह यहाँ पर दिया गया है। पहले फुल राउंड था लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडे का जो शेप रहता है उसी तरह का डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। और जो बैक पैनल है वो चारों तरफ से आप देख सकते हैं कर्व दिया गया है गाइज, थोड़ा सा डाउन देखने को मिल जाएगा। डुअल कैमरा और एक फ्लैश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और एक सेंसर पर दिया गया है। और फोन का जो फ्रेम है साइड बॉडी है वो आपको मेटलिक बॉडी देखने को मिलती है। और फोन के राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन की बटन और साथ ही साथ में पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ से स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन और सिम ट्रे दिया गया है जो कि हाइब्रिड सिम स्लॉट है। ऊपर के साइड में एक और माइक्रोफोन, एक और स्पीकर और हेडफोन जैक इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा गाइस। डुअल स्पीकर दिया गया है और साउंड क्वालिटी भी बहुत ही दमदार होने वाला है इस फोन के अंदर गाइस। और हेडफोन जैक दिया गया है गाइस, हेडफोन लगा सकते हैं आप इस फोन के अंदर। डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंच की आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 5 वोल्ट कैमरा के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। और जो बेजल्स आप देख सकते हैं चारों तरफ से गाइस, बहुत ही कम बेजल्स रखे गए हैं, एकदम फ्लैट स्क्रीन है, कोई भी कर्व नहीं है गाइस, फ्लैट स्क्रीन रखा गया है। बहुत ही बड़ा डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है, 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट है, HDR 10 प्लस दिया गया है गाइस। यहाँ पर आपको HDR में आप पिक्सल वगैरह सभी कुछ खींच सकते हैं गाइस। क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त दिया गया है डिस्प्ले का। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलती है आपको इस फोन के अंदर, वो तो बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त फीचर्स दिया गया है। बात करते हैं बाकी के फीचर्स की, तो इस फोन के अंदर Realme UI 5.0 है। डायमेंसिटी प्रोसेसर 7300 NRZ, ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, 5000 mAh की बैटरी है, 8GB रैम और साथ ही साथ में आपको रैम बढ़ा भी सकते हैं 10GB तक, टोटल 18GB आपको रैम यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और जो स्टोरेज है वो 128GB यहाँ पर स्टोरेज दिया गया है, 16MP का फ्रंट कैमरा और 50MP का आपको मेन कैमरा मिलता है। सोनी OIS कैमरा आपको इस फोन के अंदर दिया गया है, 14 Android 14 आपको यहाँ पर दिया गया है इस फोन के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हाई क्वालिटी फीचर्स आपको इस फोन के अंदर मिल जाएगा। अंदर 20,000 में आपको ये फ़ोन मिलने वाला है गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है Realme 13 प्लस। तो आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। बात करते हैं अभी कैमरा की, तो इस फोन के अंदर जो कैमरा दिया गया है 50+2MP का मेन कैमरा दिया गया है। और जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, सोनी OIS कैमरा यहाँ पर दिया गया है गाइस। 20x की जूम कैपेसिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड किया है रियलमी के इस फ़ोन के अंदर। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वालिटी मिलता है और 20x जूम करने पर भी आप देख सकते हैं कोई भी क्रैक नहीं देखने को मिल जाएगा। पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी अच्छा है साथ ही साथ में, और ढेर सारे फीचर्स इस फ़ोन के अंदर दिए गए हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16MP फ्रंट कैमरा है, आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा क्वालिटी भी काफी अच्छा खासा यहाँ पर दिया गया है गाइस।
अंडर 20,000 के अंदर ये जो फ़ोन है बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS के साथ, और 1080 पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 60 FPS और 30 FPS के साथ। गाइज बहुत ही ज़बरदस्त, अगर आप लोग ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो गाइज आप लोग ये फ़ोन ज़रूर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ़ोन है और बहुत ही कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर दिया गया है। गाइज आपको ये फ़ोन कैसा लगा, इसका कैमरा क्वालिटी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं फ़ोन की प्राइस की, तो गाइस इस फ़ोन के जो प्राइस है वो 22,999 है, लेकिन अगर आप लोग कार्ड वगैरह का डिस्काउंट चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड वगैरह का भी डिस्काउंट मिलता है, तो उसके और 1-2 हज़ार आपको और भी डिस्काउंट मिलने वाला है इस फ़ोन के अंदर। तो गाइस बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है, अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।